सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे इंजन के कोल्ड स्टार्ट के लिए। तो देखिए, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम ध्यान कम देते हैं और हमें कितना एजुकेटेड नहीं है हमें इस चीज़ के बारे में, और हम कहीं ना कहीं अपने इंजन को, अपनी कार को काफ़ी डैमेज करते हैं इस चीज़ से। तो जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो है बेसिकली कोल्ड स्टार्ट। अब कोल्ड स्टार्ट में इतना इम्पोर्टेंस आप पूछेंगे क्यों देते हैं हम, नॉर्मल आप कार को स्टार्ट किया और आप चल दिए, पर टेक्निकली ये चीज़ जो है ये सही नहीं होती है, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होती है कि आप अपने इंजन में इंजन ऑयल डलवाते हैं। सिंपल सी चीज़ है। अब इंजन ऑयल क्या होता है, इंजन ऑयल की अपनी एक विस्कोसिटी होती है। अब विस्कोसिटी क्या पूछेंगे आप क्या होता है, विस्कोसिटी बेसिकली थिकनेस होती है ऑयल की, या अगर अपन साइंटिफिक टर्म्स में बोलें तो वो रेजिस्टेंस होती है ऑयल के मूवमेंट की। मतलब वो अगर वो कितना मूव, अगर कोई चीज़ ज़्यादा विस्कस है तो वो इजीली मूव नहीं करेगी। अब आप हनी जो है, हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और वाटर की विस्कोसिटी कम होती है। हनी कम फ्लो करता है इजीली, हनी को आप इजीली फ्लो नहीं करवा सकते और आप पानी को इजीली फ्लो करवा सकते हैं। तो अब इन सब चीज़ों का अपने कार से क्या रिलेशन हुआ ये आप पूछेंगे मेरे से। तो कार से इसका रिलेशन ये हुआ कि आपने जब इंजन ऑयल डलवाया अपनी कार में तो उसकी खुद की एक विस्कोसिटी होती है जो टेम्परेचर पे चेंज होती है। आपको ये पता है, ये विस्कोसिटी अगर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी भी चेंज होती है, विस्कोसिटी कम होती जाती है जैसे आप गर्म करते जाएंगे उससे। तो जब आपने अपने कार में अपने इंजन ऑयल डलवाया, फिर क्या होगा, आपने जब खड़ी रखी अपनी कार तो खड़ी रखने से आपका जो इंजन ऑयल है वो ठंडा हो गया तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई। और जब आप कार को चलाते हैं तब आपका इंजन गर्म होता है, उसके साथ साथ इंजन ऑयल भी गर्म होता है, उससे विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो होता क्या है कि जब ठंडा है इंजन तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होने के कारण वो रेजिस्टेंस कॉज कर रहा है। और अगर आप उस टाइम अगर आप अपने इंजन से ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, उसको ज़्यादा थ्रॉटल दे रहे हैं, ज़्यादा आप पिकअप ले रहे हैं उससे, आप उसको ज़्यादा तेज चला रहे हैं, तो ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि अभी जो ऑयल है वो ठीक से, एक तो इंजन में फ्लो नहीं हुआ, अभी आपने स्टार्ट ही किया इंजन, थोड़ी देरी हुई है, ऑयल ठीक से फ्लो नहीं हुआ इंजन में, और साथ साथ दूसरी चीज क्या हुई इससे कि जो आपका इंजन ऑयल है वो थिक है तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस कॉज कर रहा है, ज्यादा रुकावट कॉज कर रहा है इंजन में। तो इससे क्या होगा, आपका एक तो इंजन ऑयल तो जल्दी खराब होगा ही होगा, और दूसरी चीज जो है वो ये है कि आपका इंजन भी जल्दी वेयर होगा, इंजन के पार्ट्स जल्दी वेयर होंगे। तो आप इन दो चीजों को ध्यान में रखिए। तो अब जो आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं वो ये हैं कि आपका इंजन ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आना चाहिए जिससे पहले आप अपने इंजन से ज्यादा डिमांड करें। अब इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं तो हर कार में एक टेम्परेचर गेज होता है, चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे वो नीडल वाला एनालॉग हो। तो आपको क्या करना है कि इस चीज का थोड़ा बेसिक ध्यान रखिए कि जब आप निकल रहे हैं, जैसे सुबह आप अपने ऑफिस के लिए निकले तो आप अपने ऑफिस के, ये नहीं कि आप बैठे रहें जब तक वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर आ रहा, आप गाड़ी स्टार्ट करके बैठे अपना टाइम व फ्यूल वेस्ट कर रहे हैं, ये गलत है। आपको क्या करना है, जब तक 1.5-2 किलोमीटर कवर नहीं हो जाते तब तक आप बस इंजन को ज्यादा थ्रॉटल ना दें, ज्यादा इनपुट ना दें या और ज्यादा हाई रेव्स पे इंजन को ना चलाएं। तब तक आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि इंजन थोड़ा स्लो करें, अपनी कार भी थोड़ी स्लो चलाएं। जनरली आप अपने घर से निकलोगे, जब तक आप थोड़ा सा बाहर मेन स्ट्रीट तक पहुंचोगे तब तक ये वो इंजन ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आ जाएगा। और एक बार इंजन ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप ज्यादा तेज भी चला सकते हैं, आप इंजन को रेव भी कर सकते हैं और ज्यादा उससे डिमांड भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो कुछ बेसिक सी चीज है हम ध्यान नहीं रखते इस चीज के बारे में, फिर कोई प्रॉब्लम्स जब जनरेट होती हैं तब हमें रियलाइज होता है कि हम काफी टाइम से ये चीज गलत कर रहे थे। अब जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है वो ये है कि डीजल इंजन में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है इस चीज का, बजाय के पेट्रोल इंजन में, क्योंकि पहली बात उनका ऑयल थोड़ा ज्यादा थिक होता है डीजल इंजन में, और डीजल इंजन में ऑयल भी कई केसेस में ऑयल ज्यादा भी डलता है। और जो दूसरी चीज है जिसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए वो है जब सर्दी और गर्मी का सीजन होता है, तो अगर गर्मी होती है तो जनरली थोड़ा जल्दी इंजन ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आ जाता है, पर जब सर्दी होती है तो आप वैसे ही 15-20 डिग्री का तो वैसे ही एम्बिएंट टेम्परेचर में ही फर्क आ जाता है, उसके वजह से थोड़ा इस चीज के बारे में ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और स्पेशली आपकी अगर कार पुरानी है, जो पुराने आती थी, आजकल कार्स में तो फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है इस चीज की और फिर भी चल जाता है,
पर पुरानी कार्स में तो स्पेशली बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज के बारे में। अगर आप आज की, आपको चाहे कितनी भी मॉडर्न कार हो, ये एक बड़ी सिंपल सी चीज है, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, पर ये बेसिक ये जो चीज है इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो आज मैंने आपको बताया ये पॉइंट का आप जरूर ध्यान रखें कि जब तक आपका इंजन ऑप्टिमम टेम्परेचर में नहीं आ रहा है तब तक उसको ज्यादा हाई आरपीएम पर रन ना करें। इससे धीरे धीरे सारी चीजें का वेयर हो सकता है, धीरे धीरे आपका पिस्टन वेयर हो सकता है, आपके सिलेंडर की वॉल्स वेयर जल्दी हो सकती हैं और आपका इंजन जल्दी गर्म ओवरहीट भी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये जो मैंने वीडियो बनाया ये आप लोगों की हेल्प करे, आपके पैसे भी बचाए, आपका इंजन भी की लाइफ भी हेल्दी रखे और आगे आने वाली कोई फ्यूचर को भी होने से रोके। So please like the video, share the video and subscribe to the channel and I'll see you in the next one. Till then, drive safe and take care. Bye.